हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट में पूछा है, सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताइए। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम में हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बैठ गया तो कई सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो हम इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के साथ मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का हो जाए वर्ब से एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट मतलब सहमति। सब्जेक्ट सहमत हो जाए कि हम आपके साथ रहने को हैं तैयार। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए ही के साथ ए जाएगा कि आर आएगा, आप आराम से बता सकते हो सर ही के साथ ए जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि ही एक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मैंने पूछा दे के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, आप बताओगे वर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि दे एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। कई चीज़ें हमें पता होती हैं, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब हमें पता होती है, लेकिन 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 कई चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। नहीं होती हैं तो मैं हूँ ना आपको कुछ पॉइंट्स की सहायता से, मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं बता पाऊंगा, आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स की सहायता से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एकदम क्लियर करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उसमें भैया प्लूरल वर्ब लगा देना। जैसे मैंने बोला राम एंड रहीम आर इंटेलिजेंट बॉयज, भैया इसमें आर क्यों लगा दिया, क्योंकि राम और रहीम के बीच में आ चुका है एंड। एंड आने से जब कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो भैया उसमें प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि सीता एंड गीता आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि सीता और गीता के बीच में लगा है एंड, तो हम समझ गए ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ लगाएंगे आर, यानी कि प्लूरल वर्ब। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सुनो ध्यान से, क्या होता है कई बार एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े तो हों लेकिन बड़ी बेकार अब समस्या आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है, समस्या ये हो जाती है कि एक आर्टिकल लगा होता है, एक आर्टिकल लगा हो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दो एंड से जुड़े हैं लेकिन एक आर्टिकल लगा है, यानी कि वो दोनों के दोनों व्यक्ति एक ही हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर, कई बार आपने देखा होगा कई स्कूल में प्रिंसिपल भी वही और इंग्लिश टीचर भी वही, तो दोनों लोग एक ही हैं, तो द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर इज कमिंग हेयर, इज लगाया, भले दो एंड से जुड़े हैं लेकिन हमने देखा कि एक आर्टिकल लगा था, द अकेला आर्टिकल लगा था, दोनों एक ही व्यक्ति हैं इसलिए इज लगाया। लेकिन अलग अलग आर्टिकल लगे हों, ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग आर्टिकल लगे हों तो आर ही लगाएंगे। जैसे मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड एन इंग्लिश टीचर, यहाँ पर द और एन का अलग अलग प्रयोग हुआ है, अलग अलग प्रयोग हुआ है तो आर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ चुका होगा। ऐसा ही पजेसिव के साथ भी होता है, जैसे माई अंकल एंड मैथ्स टीचर, अंकल भी मेरे और मैथ्स टीचर भी मेरे, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है, मेरे अंकल मैथ्स टीचर हो सकते हैं, तो ऐसा पजेसिव केस में भी होता है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। कई सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन एक बन जाते हैं। अब क्या होता है भैया, तो ध्यान से समझ लीजिए, एक कैसे बनते हैं, एक ऐसे बनते हैं जैसे दाल अलग चावल अलग मिक्स कर दिए तो दाल और चावल बन गए, तो मैं क्या बोलूँगा, दाल एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, इज लगाया, क्यों, क्योंकि दाल और राइस हो गए मिक्स, और मिक्स हो गए तो बन गए एक, एक बन गए तो हमने लगा दिया इज। समझ में आ चुका है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ब्रेड एंड बटर हो सकता है, राइट, स्टडी स्लो एंड स्टडी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो मिलके एक बन जाते हैं, और एक बन जाते हैं तो उसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फोर कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों और से, ओ आर और से, तो हम लगाते हैं हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, फिर हमें फर्स्ट सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला रवि और हिज फ्रेंड्स, हमें रवि से कोई मतलब नहीं, हमें हिज फ्रेंड्स से मतलब है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो रवि और हिज फ्रेंड्स हैव गॉन देयर, हैव लगाना पड़ेगा, हैज नहीं लग पाएगा। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फाइव की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फाइव कह रहा है
पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट के साथ विथ लग जाए, अलोंग विथ लग जाए, इन एडिशन टू लग जाए, एज वेल एज लग जाए, तो हमेशा हम सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो प्रिंसिपल विथ ऑल हिज स्टाफ मेंबर्स, हमने देखा कि यहाँ पर प्रिंसिपल विथ ऑल हिज स्टाफ मेंबर्स यानी कि विथ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमें सेकेंड सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए क्योंकि विथ लगा हुआ है, समझ रहे कि नहीं। तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि प्रिंसिपल के हिसाब से यूज करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल विथ ऑल हिज स्टाफ मेंबर्स हैज कम हेयर। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ और सेंटेंस बहुत सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 हमारा हो चुका है, फिफ्थ हमारा हो चुका है, 6th की बारी है। तो पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो द नंबर और ऑफ आ नंबर की बात अगर हम करें, कई बार आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस जो द नंबर से स्टार्ट हो रहा है, द नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। आ नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। भैया देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इज कमिंग हेयर, द नंबर ऑफ पीपल इज कमिंग हेयर, द लगा हुआ है, इज लगा दो, वहीं पे द हटाओ, ए लगाओ, अ नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग हेयर, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन भैया अगला पॉइंट बता रहा है कि अगर वन ऑफ द से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तो वन ऑफ द के बाद भले ही फ्रेंड्स लिखा हो, पीपल लिखा हो, टेबल्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एक की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स में से एक, तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर होता है तो भैया सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज टेकिंग रिस्क इन हिज लाइफ, तो इज लगाया, क्यों, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स में से एक व्यक्ति, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, भैया आपको पर्सन आते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही तो कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको आते हैं पर्सन, नहीं आते तो मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी दे इट, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन इनको लगाने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है 231 यानी कि सेकंड पर्सन पहले लगाओ, थर्ड पर्सन उसके बाद लगाओ, फर्स्ट पर्सन उसके बाद लगा दो। जैसे ध्यान से समझ लीजिए, मैंने बोला यू ही एंड आई आर गोइंग देयर, बिल्कुल सही है, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन होता है, इस तरह से हम यूज करेंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भैया कोई सेंटेंस अगर समवन, नोवन, समबडी, ईच, एवरी, इनसे शुरुआत हो रहा है तो लगाओ हमेशा सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने बोला समवन हैज स्टोलन माय पर्स, बिल्कुल सही है, समवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे एक और पॉइंट बता देता हूँ, मेरे ध्यान आ गया है भैया बोलते, अगर मैंने बात करी कलेक्टिव नाउन की तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा लगता है सिंगुलर वर्ब। जैसे कमेटी इज टेकिंग डिसीजन, सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन उसी कलेक्टिव नाउन में अगर हो जाए बिखराव, जैसे कमेटी इज टेकिंग देयर डिसीजन, देयर लग जाए, या फिर कुछ ऐसा डिवाइड लग जाए, डिफरेंट लग जाए, तो बिखराव अगर हो जाएगा तो उसमें लगाएंगे प्लूरल वर्ब। जैसे मैंने बोला द कमेटी हैज देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर लगा यानी कि वो बिखर गए हैं, ओपिनियन मतलब वो अपनी राय में बिखर गए, उनकी राय अलग अलग हो गए। हो सकता है कमेटी में सभी सदस्यों की राय एक जैसी ना हो, तो इस तरह से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि द कमेटी इज टेकिंग इट्स डिसीजन, इज लगाएंगे क्योंकि पूरी कमेटी ने लिया है, लेकिन मैंने बोला द कमेटी हैज देयर ओपिनियन, तो हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, समझ में आ चुका है। ऐसे बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, लेकिन एक ही बात आपको देखना है और सीखना भी है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। चलिए मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।